तो गाइस फेस स्मूथ करते हैं, यहाँ पे ब्लैक एंड यहाँ पे ब्लैक एंड यहाँ पे ब्लैक एंड यहाँ पे ब्लैक आ ही जाता है। कितना भी आप लोग लाख बार कोशिश करते हैं फिर भी यहाँ पे ब्लैक एंड यहाँ पे ब्लैक आ जाता है। एंड आप लोग का फोटो कितना भी काला रहे कितना भी ब्लैक रहे, आज आप लोग मैं सबसे आसान तरीका में सिंपल में आप लोग को सबसे आसान तरीका में ऐसा एडिटिंग ऐसा ब्रश सेटिंग बताएंगे जो आज तक पूरे यूट्यूब पे आप लोग कोई बताया नहीं होगा। एंड आज से आप लोग के फेस के ऊपर एक भी % ब्लैक नहीं आएगा और पूरा फुल एचडी हाई क्वालिटी आप लोग का फेस स्मूथ होगा, पूरा फुल एचडी हाई क्वालिटी आप लोग एडिटिंग करना सीख जाएंगे वो भी पूरा फेस को, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक फॉलो कर दीजिएगा एंड ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से आप लोग अपना फेस स्मूथ करेंगे तो एक भी % ब्लैक नहीं आएगा। जैसे कि आप लोग का फोटो बहुत ज़्यादा ब्लैक रहता है, बहुत ज़्यादा काला रहता है एंड उसको आप लोग स्मूथ करते हैं तो भाई पूरा फेस के ऊपर इधर उधर लग जाता है एंड अच्छा फोटो नहीं लगता है। तो आज आप लोग को आर्टिस्ट भाई पूरा फुल एचडी हाई क्वालिटी बहुत ही खतरनाक फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग सिखाने वाला है मेरे जान, बिल्कुल रियल तरीके से जो पूरे YouTube पे सच्चाई कोई बताया नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग करना क्या होगा मेरी जान, सबसे पहले ओरिजिनल फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा, पता है कहाँ पे, स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो मेरे प्यारे दोस्तों गजब का एडिटिंग सिखाएंगे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले यहाँ पे चौथे नंबर पे आप लोग को क्लिक कर देना होगा, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। सो दोस्तों जैसे आप लोग 4 नंबर पे क्लिक करेंगे आप लोग का फोटो ना आप लोग का फेस भाई पूरा फुल एचडी हाई क्वालिटी डार्क में हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना करना सिंपली ऐसा आप लोग को डन कर लेना होगा एंड डन करना फिर से आप लोग को दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, एक बार फिर से देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। सो मेरे प्यारे दोस्तों इतना करना फिर से आप लोग को टूल्स आइकन पे चले जाना होगा एंड यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा HDR स्केप, ठीक है ना जी। यहाँ सिंपली आप लोग HDR स्केप पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं FINE, ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, फिर से आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना जी। यहाँ पे एडजस्ट वाला ऑप्शन होगा एंड यहाँ देखिए फिल्टर स्टेंट होगा, इसको आप लोग को 0 कर देना होगा एंड यहाँ पे इसका ब्राइटनेस, ठीक है ना, तो ब्राइटनेस को आप लोग 11+ कर लीजिएगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉर्नर में डन वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग फोटो को डन कर लीजिएगा। डन करना फिर से अब आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर, फिर से देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। सो मेरे प्यारे दोस्तों इतना करना फिर से आप लोग को टूल्स आइकन पे आ जाना होगा एंड यहाँ पे आप लोग को ब्रश सेटिंग मिल जाएगा, ठीक है ना जी। तो सिंपली आप लोग ब्रश सेटिंग पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे एक्सपोजर पे आप लोग क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पे आप लोग ना 0.7 ही रखिएगा एंड कुछ इस तरीके से आप लोग सिर्फ अपने फेस के ऊपर आप लोग को अप्लाई करना होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप लोग को करना होगा, इतना करना सिंपली ऐसा आप लोग को डन कर लेना होगा एंड हाँ देखिए बिफोर आफ्टर मैं दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। सो मेरे प्यारे दोस्तों इतना करने बाद फिर से आप लोग को टूल्स आइकन पे आ जाना होगा एंड यहाँ पे आप लोग मिल जाएगा ट्यून इमेज, ठीक है ना जी। ट्यून इमेज पे क्लिक करके इसका सेचुरेशन आप लोग को 100- कर देना होगा, ऊपर देख लीजिए एंड इतना करना सिंपली ऐसा आप लोग को डन कर लेना होगा। फिर से आप लोग शेयर के बगल में एरो का निशान होगा उस पर आ जाइएगा एंड यहाँ पे आप लोग को व्यू एडिट्स पे चले जाना होगा एंड सिंपली आप लोग देखिए ट्यून इमेज पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, फिर से आप लोग ब्रश आइकन पे आ जाइएगा। ब्रश आइकन पे आने में सिंपली अब आप लोग को क्या करना होगा, सिर्फ ना मेरी जान आप लोग अपने बैकग्राउंड के ऊपर ही अप्लाई कीजिएगा ताकि जो भी आप लोग का ग्रीन बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज हो जाएगा। तो भाई बहुत ही ज़्यादा कलर पेंट करने में बैकग्राउंड हम लोग को मजा आएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी जान, बहुत ही शानदार मैं आज आप लोग को पूरा फोटो एडिटिंग फुल एचडी हाई क्वालिटी एडिटिंग का किंग मैं आज आप लोग को बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ देख लीजिए मैं फटाफट कर लिया एंड आप लोग भी कर लिए होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे भाई आ गया हमारे ओठ के ऊपर, तो इसको इरेज करने के लिए यहाँ पे 0 करना होगा, ठीक है, इसको हम लोग 0 करेंगे एंड उसके बाद हम लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इतना करने सिंपली ऐसा आप लोग को डन कर लेना होगा एंड हाँ आप लोग का कमेंट आ रहा होगा यार RDX भाई यहाँ पे तो बच गया है, इसको कैसे आप हटाओगे, भाई हमारा हटाई भी यार टेंशन मत लो, ठीक है ना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग सिर्फ एक एक स्टेप फॉलो कीजिए ना, बहुत ही गजब का एडिटिंग आप लोग को सिखाएंगे। सो दोस्तों इतना करने सिंपली आप लोग इस फोटो को शेयर कर लीजिएगा लाइट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, तो मैं फटाफट शेयर कर लेता हूँ एंड आप लोग भी कर लीजिएगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग लेकर के आ चुके हैं लाइट रूम वाले एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ पे देखिए हम लोग के फेस के बगल में यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन टोन है, ठीक है, उसको पहले हम लोग रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे कलर ऑप्शन पे आ जाएंगे, मिक्स पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, ग्रीन टोन पे क्लिक कर देंगे, इसका सेचुरेशन डाउन कर देंगे, ठीक है, 100-, फिर से आप लोग येलो टोन पे क्लिक करेंगे, इसका भी सेचुरेशन आप लोग 100- डाउन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फेस के बगल में जो आया था टोन था वो हट गया, एक बार मैं फिर से आप लोग को दिखाना चाहता हूँ।
बिफोर एंड आफ्टर। सो दोस्तों इतना करने बाद, अभी तो ये टेलर है ठीक है मेजर, पूरा आप लोग को अच्छे से एडिटिंग सिखा करके जाएंगे ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे अब आप लोग को इस सिलेक्शन पे आ जाना होगा एंड यहाँ पे ब्लेस को ना आप लोग को कितना करना है पता है, 34 माइनस, फिर से आप लोग को वाइट्स को भी 34 माइनस करना होगा एंड शेडो को आप लोग को 23 प्लस बढ़ा देना होगा ठीक है। इतना करना सिंपली आप लोग यहाँ पे कलर ऑप्शन पे आ जाइएगा, फिर से आप लोग को मिक्स पे क्लिक करना होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड इसका लिमनेस आप लोग को बढ़ा देना होगा 70 प्लस एंड इसका सेचुरेशन हम लोग क्या करेंगे 40 माइनस कर देंगे ठीक है। इतना करना फिर से आप लोग इसोलेशन पे आ जाएगा, लेमनस को आप लोग कर देना होगा 42 प्लस एंड यहाँ इसका ही हुआ आप लोग कर दीजिएगा 55 माइनस। सो दोस्तों इतना करना फिर से आप लोग देखिए यहाँ पे इसोलेशन पे आ जाएगा एंड इसका सेचुरेशन आप लोग को 74 प्लस एंड यहाँ लिमनस को आप लोग को 36 प्लस कर देना होगा। सो दोस्तों इतना करना सिंपली यहाँ पे मैं आप लोग को एक बार बिफोर आफ्टर दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा अच्छे से फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा फेस के ऊपर फोकस कीजिएगा ठीक है मेरी जान, बिफोर एंड आफ्टर एक बार फिर से देख लीजिए, बिफोर एंड आफ्टर। इतना करने बाद सिंपली अब आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे फोटो में ना क्लियरिटी देना है ठीक है, क्वालिटी देना है ताकि गजब का फोटो दिखे। सिंपली आप लोग इस पे आ जाइएगा एंड क्लियरिटी को आप लोग 26 प्लस एंड टेक्सचर को आप लोग 12 प्लस एंड यहाँ डिजिट को आप लोग को 15 प्लस कर देना होगा ठीक है ना जी। इतना करना सिंपली यहाँ पे देख लीजिए विंटेज होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस में कर देंगे ताकि गजब का लुक हम लोग के फोटो में आएगा। तो 31 माइनस कर दिए एंड यहाँ पे एक बार फिर से मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, एक बार फिर से देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। सो दोस्तों इतना करने बाद सिंपली अब हम लोग को क्या करना होगा, इस फोटो को ना आप लोग शेयर कर लीजिएगा ऑटोटेक स्केच बुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ऑटोटेक स्केच बुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ पे देखिए ये जो मेरा लोगो है ठीक है RDX ठीक है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे जो मेरा फेस गोरा है एक लेवल में अच्छे से स्मूथ करके दिखाएंगे तभी आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करेंगे ठीक है ना मेरी जान। कितना भी ज्यादा आप लोग के फेस के ऊपर पिंपल्स रहे ब्लैक रहे उसको आप लोग चुटकियों में हटाना सीख जाएंगे ठीक है। तो सिंपली आप लोग इस पे आ जाइएगा ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आने बाद यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरे जान आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना ठीक है। यहाँ पे जो मैं ब्रश सेटिंग बताऊंगा सिर्फ आप लोग को वही फॉलो करना होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला लास्ट वाला आप लोग को ब्रश ऑप्शन यूज करना है ठीक है, इस पे क्लिक करना सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाएगा एंड फॉलो का आप लोग को करना होगा 13 ठीक है, स्टैंड को आप लोग करना होगा 16 ठीक है एंड साइज आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए फॉलो 13 है, स्टैंड आप लोग देख सकते हैं 16 है ठीक है एंड फोटो को आप लोग को जूम कर लेना होगा। कैसे आप लोग स्मूथ करेंगे पता है, यहाँ पे देखिए RDX ठीक है मेरी जान। तो आप लोग बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट भाई को सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच मेरी जान एंड लव यू जय हो सिद्धवा एंड आप लोग आर्टिस्ट भाई के गाने को भी बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दुलार दे रहे हैं, बैक टू बैक आर्टिस्ट भाई गाना ही लेकर के आ रहा है ठीक है, अभी गाना शूटिंग पे है ठीक है मेरी जान। सब आप लोग का सपोर्ट प्यार है, बहुत ही मस्त आप लोग को गाना सुनाता रहूँगा ठीक है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं आप लोग को हमेशा मैं अच्छा से ही गाना सुनाऊँगा ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जान स्मूथ कैसे करना है, सॉरी ठीक है यहाँ पे स्मूथ कैसे करना है, यहाँ देखिए फोटो को जूम कर लेना है ठीक है, फोटो को जूम कर लेना है एंड भाई हमारे देखिए चुटकियों में मैं स्मूथ करके दिखाऊंगा ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ये जो मेरा एक्स था ठीक है इसको मैं रिमूव कर दिया एंड यहाँ देख लीजिए RDX ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मेरी जान, अब मान लीजिए इससे बड़ा थोड़ी ना फेस के ऊपर पिंपल्स आएगा मेरी जान, इससे बड़ा कभी भी नहीं आ सकता है ठीक है ना पिंपल्स। एक मैं एग्जांपल के लिए आप लोग बताया, यहाँ देख सकते हैं RDX मैं गायब कर दिया ठीक है ना मेरी जान। तो आप लोग समझ ही सकते हैं मैं आप लोग को कितना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तरीके से एडिटिंग मैं आप लोग को सिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक लेवल में अपने फेस को स्मूथ करके आप लोग के सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक भी परसेंट इधर उधर मैं वीडियो में घुमाया नहीं हूँ आप लोग को ठीक है ना मेरी जान, जो भी बताया भाई सच्चाई बताया हूँ एंड मैं आप लोग को सब्सक्राइबर नहीं फॉलोअर नहीं बड़ा भाई भगवान बार मानते हैं मेरी जान एंड यहाँ देख सकते हैं आप लोग को रियलिटी में एडिटिंग सिखा दिया। सो दोस्तों आशा करते हैं मेरी जान वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू एंड जय हो सिद्ध बाबा।